हाय, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक कामया पंजाबी। टीवी एक्ट्रेस हैं, टीवी देखने वाले लोग उन्हें शक्ति अस्तित्व के एहसास की बनू मैं तेरी दुल्हन, मर्यादा, लेकिन कब तक और बिग बॉस 7 जैसे शोज से पहचानते हैं। काम्या ने 10 फरवरी को अपने बॉयफ्रेंड शलभ से शादी कर ली। इस शादी में टीवी के बहुत सारे सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी हल्दी मेहंदी और लेडीज संगीत वगैरह की फोटोज डाली। फोटोज में काम्या और उनके पति नाचते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को काम्या का तलाक के बाद दोबारा शादी करने का जो फैसला है वो बड़ा खटक रहा है। लोग उनकी तस्वीरों पर कॉमेंट्स करके पूछ रहे हैं, तलाक के इतने साल बाद दोबारा शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि काम्या की 10 साल की बेटी है, तो लोगों ने ट्रोलिंग में उनकी बेटी को भी ऑफकोर्स घसीट लिया। उनकी शादी की फोटो पर 10 साल की बेटी की माँ शादी करने जा रही है, बुढ़ापे में शादी क्यों करनी है जैसी बातें लिखने लगे लोग। इस सवालों का जो जवाब है वो दिया उनकी दोस्त और टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक ने। कविता ने ट्रोल्स को रिप्लाई करते हुए लिखा, क्योंकि आप शादी इसलिए करते हैं ताकि आपको आपका पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, सोलमेट मिल सके जिंदगी भर के लिए। शादी के बाद बच्चे पैदा करने के अलावा भी जिंदगी होती है। उन लोगों में दिक्कत ना खोजें जो अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी खुशियां तलाश रहे हैं। दूसरों की खुशी के मौके पर इस तरह के बेवकूफाना सवाल पूछने के बजाय उनके लिए खुश होना सीखें। काम्या की बेटी आरा और शलभ के बेटे ईशान ने मिलकर ज्यादातर सेलिब्रेशन प्लान किए हैं। काम्या ने 2003 में बंटी नेगी से शादी की थी। 2013 में दोनों का तलाक हो गया। शलभ डांग हेल्थ इंडस्ट्री में से है और वो उसी में काम करते हैं। उनका जो बेटा है ईशान, वो पहली पत्नी से है। काम्या इससे पहले भी शलभ के साथ रिलेशनशिप को लेकर टारगेट की जा चुकी हैं। काम्या ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, ओ शलभ तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, चलो अच्छा हुआ। तब मुझे लगता है कि एक्सक्यूज मी, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है से क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि मैं तलाकशुदा और सिंगल पेरेंट हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझ में कुछ कमी या मैं बुरी हूँ। एक इंसान के तौर पर हम सबकी एक पहचान, मर्यादा और आत्मसम्मान है। हम सब महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन एक तलाकशुदा महिला को कमतर मानते हैं और उसे सामान्य नज़रिए से नहीं देख सकते। आज तक लोग अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है, इसलिए महिला दिवस मनाने, महिलाओं की उपलब्धियों पर जश्न मनाने और ख़ुद को आधुनिक दिखाने का कोई मतलब नहीं है। काम्या की बात बिल्कुल सही है। शायद ही किसी तलाकशुदा पुरुष से पूछा जाता हो कि वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है, लेकिन औरत ऐसा करती है तो उसके कैरेक्टर, परवरिश, खानदान और अच्छी माँ होने पर सवाल खड़े किए जाते हैं। क्योंकि हमारा समाज औरतों को उनकी कुर्बानियों के लिए ज़्यादा सम्मान देता है, विरोध और बराबरी के लिए नहीं। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।